इंसान की प्रवृत्ति है कि वो कभी भी ज़्यादा संतुष्ट नहीं रह सकता एंड हमेशा ना अपनी तुलना किसी ना किसी से करता रहेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो कोई और करता रहेगा कि जैसे इसके पास इतना टैलेंट क्यों है, इसके इतने मार्क्स अच्छे क्यों हैं, या फिर हमारे पेरेंट्स की भाई तुम नालायक हो, कुछ पढ़ लो, इतने अच्छे अच्छे लोग बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, तुम नहीं कर रहे। तो ये जो तुलना करने का जो स्फेयर है ना, इसे कोई बच नहीं पाया है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान की, जिसका एक बहुत बड़ा सेगमेंट है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स यानी कि तुलनात्मक राजनीति, जो कि किसी को भी, वैसे अगर जो मैं तुलना करने का बात करूं तो सामान्य अगर मैं जिंदगी में बोलूंगी तो बहुत ही ईजी होता है, बट ये जो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स है ये किसी को भी बहुत मुश्किल से ही समझ में आती है, बहुत कन्फ्यूजन होती है। सो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये लेक्चर सीरीज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको कंपेरेटिव पॉलिटिक्स से जुड़े इंपॉर्टेंट सारे थ्योरीज हो गया सब कुछ कराऊंगी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। बहुत ही अमेजिंग हम एग्जाम्पल हो गया, स्टेटमेंट हो गया, थ्योरिस्ट हो गया, इन सबके मतलब हेल्प से हमें अपने सारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करेंगे। और आज के इस टॉपिक में मैं बात करूंगी ट्रेडिशनल अप्रोचेस की, एंड अप्रोचेस ट्रेडिशनल अप्रोचेस यानी कि पारंपरिक दृष्टिकोण या उपागम में जाने से पहले मैं ये आपको बताना जरूर चाहूंगी कि ये उपागम यानी कि अप्रोचेस होता क्यों है, क्यों जरूरत है हमें कंपेयर करने की, क्यों हमें देखना है कि एक कंट्री से बेटर दूसरा कंट्री है, और अगर एक कंट्री से बेटर दूसरा कंट्री है तो किस बेसिस में, क्या उनकी डेमोक्रेसी पे, क्या उनके पॉलिटिकल सिस्टम में, क्या उनके पार्टी सिस्टम में, इलेक्शन पे, लोगों के बिहेवियर पे, किस तरीके से हम कंपेयर करते हैं, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। हम ये भी जानेंगे कि ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक अप्रोच की जो फिलोसफिकल यानी कि दार्शनिक अप्रोच होती है, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक अप्रोच होती है, क्या होती है वो, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका आंसर आप अभी के अभी लिखना शुरू कर दीजिए कि हिस्ट्री पढ़ना जरूरी क्यों है, हिस्ट्री से हमें क्या हासिल हो जाता है, स्पेशली हिस्ट्री को हम पॉलिटिकल साइंस में क्यों पढ़े, हिस्टोरिकल इवेंट्स पे ही कम हम क्यों बात करते हैं, क्या जरूरत है, इससे हमें क्या हासिल हो जाएगा, इसके पीछे क्या कुछ तर्क है, कुछ कारण है, मुझे बताइए अभी अभी के अभी। दूसरा लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच बात करता है कि कानून क्या है, क्यों है ये इंस्टीट्यूशन, संस्थान है क्या, किस लिए, किस दृष्टिकोण से हम इसे क्यों देखते हैं, इससे हमें क्या हासिल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों पे बात हम आज करने वाले हैं। आपको बस एक ही काम करना है कि इस वीडियो के अंत तक रुके रहना है, सो दैट कि मैं आपके सारे कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माई चैनल डिस्कवर स्टडी विद योर पॉलिटिकल साइंस मेंटर प्रीति बोरा। इस चैनल के माध्यम से मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस पहले भी पढ़ाई है और आगे भी पढ़ाते जाऊँगी। एंड अभी आप सबने मुझे बोला था कि कंपेरेटिव पॉलिटिक्स आपको बहुत मुश्किल लगता है, तो मैंने सोचा ये जो आपके गले में हड्डी फंसी हुई है इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर दूं, सो दैट कि आप अच्छे से सांस ले पाए, अच्छे से खा पी पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, एक फीस है जो आप सभी को देनी पड़ेगी, वो क्या है, लाइक कर दो ये सारी वीडियो को। मुझे पता है ये वीडियो अच्छी है क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है, ठीक है, मैं पहले ही बता रही हूँ। और उसके अलावा कमेंट करो, अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो कमेंट करो, अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसका आंसर कमेंट करो, जितना भी आपको मुझसे कम्युनिकेशन करना है ना वो कमेंट के जरिए ही करें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है वो आप कमेंट करो, मैं अच्छी लग रही हूँ, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे बताओ। और कुछ अगर नया आपको चाहिए कि भाई किस तरीके से टॉपिक्स आपको पूछने हैं कि मैम ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, जो भी आप पढ़ो, ठीक है, जितना भी आपने पढ़ रखा है सब कुछ है, तो आप कमेंट करिए, ठीक है, एंड शेयर जरूर करना, ठीक है, क्योंकि अगर व्यूज बहुत अच्छे होंगे तो मैं भी आपको बहुत फ्रीक्वेंटली मिलूंगी, ठीक है। चलिए, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, बिकॉज अभी तो एक वीडियो है बट मैं आगे आने वाले टाइम पे मल्टीपल वीडियो डालूंगी, ठीक है, आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक है हमारा कि अप्रोचेस क्या है, आपका तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन करने का दृष्टिकोण क्या है, उपागम क्या है, ठीक है, आपका पारंपरिक दृष्टिकोण या उपागम क्या होता है, कितने तरीके के ट्रेडिशनल होते हैं, फिलोसफिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल रिगर, इंस्टीट्यूशन होती क्या है, और इन सब में कमियां क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है, इसकी आलोचना क्या है, और टाइप्स ऑफ मॉडर्न अप्रोच क्या है, कब हम मॉडर्न अप्रोच की तरफ क्यों जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको ये पिक्चर दिखाना चाहूंगी जिसमें मैंने एक मैप लगा रखा है, ग्लोब है आपके पास, एंड इस ग्लोब में आपको काफ़ी सारी कंट्रीज दिख रही होंगी जिनकी अलग अलग बाउंड्रीज होगी, ठीक है, ये बिल्कुल देखो हर एक कंट्री की अपनी अपनी बाउंड्रीज है, अलग अलग है, यानी कि आपको इतना समझ में आ रहा है कि शेप एंड साइज में ना अलग अलग कंट्रीज अलग अलग हैं, और कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो आपके कोस्ट के आसपास है, जिस ठीक है जिसकी कोस्ट लाइन है, और कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो लैंड लॉक्ड है, यानी कि जिसके आसपास ना सिर्फ आपका लैंड है, ठीक है, अलग अलग तरीके की आपकी कंट्रीज हैं। अब इसके ये पिक्चर मैंने क्यों लगाई, क्योंकि मैं इसके माध्यम से आपको समझाना चाह रही हूँ कि व्हाट इज एन अप्रोच, कि उपागम जो बोलते हैं वो क्या उसे क्या होता है उपागम। हम कंपेरेटिव पॉलिटिक्स यानी कि तुलनात्मक राजनीति की बात करें तो यार ये अप्रोच जरूरी क्यों है,
क्या है क्या ये। तो उपागम यानी कि अप्रोच का मतलब होता है दृष्टिकोण, दृष्टिकोण यानी कि चीज़ों को देखने का नज़रिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा, अच्छा इसको एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे ये फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा कि भाई यूएस ज़्यादा आपका मतलब बेटर है कि चाइना बेटर है, ठीक है। अब आप कन्फ्यूज़ हो गए, आपने सोचा कि यार कैसे बेटर है। आप मैम आप पूछना क्या चाह रहे हो हमसे, आप हमसे ये पूछना चाह रहे हो कि डेमोक्रेसी किस में बेटर है, तो हम बता देते हैं कौन सी डेमोक्रेसी है। आप हमसे ये पूछना चाह रहे हो कि पॉलिटिकल कल्चर यानी कि राजनीतिक जो आपका संस्कृति है वो किधर अच्छी है, तो हम बता देते हैं आपको। और उसके अलावा आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैम पार्टी सिस्टम की बात कर रहे हो, किस तरीके का पार्टी सिस्टम है, किस तरीके का आपका लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, किस तरीके का जुडिशरी है, क्या आप पूछना क्या चाह रहे हो। आप मेरा पहला क्वेश्चन तो आप यही करोगे ना, इकोनॉमी के हिसाब से बोल रहे हो, सोसाइटी के हिसाब से बोल रहे हो, डेवलपमेंट के हिसाब से बोल रहे हो, मैम बता तो दो, क्लियर तो कर दो हमें कि क्या बोल रहे हो, ठीक है। यही बोलोगे, आपका पहला क्वेश्चन यही होगा जब भी मैं आपसे पूछूंगी कि यूएस बेटर है या फिर चाइना बेटर है, आप यही पूछोगे कि किस वे में, क्या मतलब, क्या मतलब मानदंड क्या है। तो यही होता है कि दृष्टिकोण क्या है, बेसिकली मैं क्या देखूं, किस चीज पे मैं कंपेयर करूं, कौन से पैरामीटर देखूं, क्या मुझे गरीबी देखना है, क्या मुझे डेवलपमेंट देखना है, क्या देखना क्या है। तो वो होता है दृष्टिकोण कि किस दृष्टिकोण से मैं देखूं, कि क्या ये होता है आपका अप्रोच, ठीक है। इसे बोलते हैं आप अप्रोच कि किस दृष्टिकोण से। अब अगर मैं अप्रोच की बात करूं तो अप्रोच ब्रॉडली आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, ठीक है। अच्छा इससे पहले मैं अप्रोच में जाऊँ, सबसे पहले आ जाते हैं कि कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की मतलब स्टार्टिंग किसने की थी। तो आपको पता है कि फादर ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स यानी कि तुलनात्मक राजनीति के जनक किसको माना जाता है, अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल को। अब इनके अंदर ना एक जिज्ञासा उठी, एक बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन उठा जो कि आप सबके अंदर भी उठना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप एक ऐसे पॉलिटिक्स से जुड़े हैं तो जिज्ञासा क्यूरियोसिटी तो बनती है, ठीक है। इन्होंने सोचा कि यार मैं पता लगाता हूँ कि बेस्ट स्टेट कौन सी है, सबसे बेटर स्टेट कौन सी है, सबसे बेटर पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि राजनीतिक प्रणाली कौन सी है, मुझे ये जानना है, ठीक है। अब ये जानने के चक्कर में इन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस पर जाल डाले, ठीक है, 158 कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान पर डाले, क्योंकि इन्होंने सोचा कि चलो बेस्ट कैसे पता लगाना है कि यार ठीक है उधर का कानून क्या है, किस तरीके का इंस्टीट्यूशन है, कैसा मतलब उसमें संस्था है, किस तरीके से उधर फंक्शनिंग होती है, किस तरीके का सिस्टम है, किस तरीके का संरचना है। तो उन्होंने पढ़ डाले और उसके बाद जो पॉलिटी थी, जो राजनीति थी, उसको बेसिकली 6 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया। तीन इन्होंने बोला कि बहुत ही करेक्ट फॉर्म है और तीन इन्होंने आपका डेविएंट फॉर्म की बात की। अब ये किस कि क्या क्या इन्होंने बोला, या आप या तो मुझे कमेंट में लिख के बताओ, और इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी बिकॉज ये है आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का पार्ट है, ठीक है। इस पर हम नहीं जाते अभी, हम अप्रोचेस पे ही अपने टॉपिक पे ही स्टिक रहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने अप्रोचेस, ठीक है, इनका अप्रोचेस इधर से स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहां से इन्होंने अप्रोचेस स्टार्ट की। अब आता है कि जब भी हम कंपेरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ते हैं तो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स को हम ना बेसिकली ना दो नज़रों से देखते हैं, ब्रॉडली हम दो नज़रों से देखते हैं। एक होता है हमारा ट्रेडिशनल और दूसरा होता है मॉडर्न। ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरागत और मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक। अब आप मुझसे पूछोगे कि मैम डिफरेंस क्या है, क्या टाइमलाइन क्या है, क्या कोई ऐसे स्पेसिफिक टाइम है जिसमें मतलब मेरा ये मैं बता दूं कि इससे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच थी एंड इसके बाद मॉडर्न अप्रोच थी। तो यस, बेसिकली है। सो आपका लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी की अगर मैं बात करूँ तब आपका ट्रेडिशनल अप्रोच आया था। अगर मैं एक चीज बोलूँ तो वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आपको पता है दुनिया बिल्कुल चेंज हो गई है, बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नए एक्टर्स आए हैं हमारे इंटरनेशनल रिलेशन में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। अब एक्टर्स क्या होता है ये मुझे आप कमेंट करके बताइए, ठीक है, एंड मुझे बताना कि एक्टर्स क्या करते हैं, एक्टर्स कितने टाइप के होते हैं। और एक ना फॉलोअप क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है, क्या सोशल मूवमेंट, क्या आपका ये जो सामाजिक आंदोलन होते हैं, क्या ये एक्टर होते हैं या नहीं, यस या नो लिख के फटाफट मुझे बताइए। लेट्स सी कि किसको पता है किसको नहीं पता, और जिसको नहीं पता तो लिखो कि मैम मुझे नहीं पता, प्लीज़ आप बता दो मुझे कमेंट में, ठीक है, या बता, ठीक है, या पढ़ा दो जो भी है, ठीक है। सो अब वर्ल्ड वॉर 1 से पहले जो हमारा जो सिस्टम काम करने का तरीका था ना वो बिल्कुल अलग था। कुछ अंतर्राष्ट्रीय आपके ऑर्गेनाइजेशन संस्था वगैरह नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं था कि MNC NGOs हो गए, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आपका आ जाता है यूनाइटेड नेशंस, आपका थर्ड वर्ल्ड निकल के आता है, तो एकदम सिस्टम चेंज हो जाता है, हमारा चीज़ों को देखने का तरीका चेंज हो जाता है, ठीक है, उपागम यानी कि परिप्रेक्ष्य दृष्टिकोण सब चेंज हो जाता है। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मोस्टली आपका क्या आता है, मॉडर्न अप्रोचेस। अब मॉडर्न अप्रोचेस होता क्या है वो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, फिलहाल हमारा जो टॉपिक है दैट इज आपका ट्रेडिशनल अप्रोचेस। सो पहला मेरा क्वेश्चन है, इससे पहले मैं ट्रेडिशनल अप्रोचेस में जुड़ूं, आगे बढ़ूं, कि ट्रेडिशनल अप्रोच इज नोन एन इंस्टीट्यूशनलिज्म, लेकिन क्यों, कि पारंपरिक दृष्टिकोण को संस्थागतवाद क्यों कहते हैं,
क्यों संस्थागतवाद कहते हैं, क्या इन दोनों में कोई लिंक है, और लिंक है तो फिर क्या है, क्या ये इंस्टीट्यूशन से संबंधित है कि नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जब पहले, बहुत पहले क्या होता था ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती थी स्टेट की, ठीक है, स्टेट को ही इंपॉर्टेंस देते थे। तो स्टेट से पहले आपका था कि हमने रिकॉग्नाइज किया था वेस्टफीलिया कन्वेंशन में कि हर एक स्टेट की अपनी अपनी सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता है, वो अपने हिसाब से काम करता है। अब अगर हर कोई स्टेट अपने हिसाब से काम करता है तो उसको कुछ राइट्स होंगे, फिर उसकी रिकॉग्निशन हुई कि नेशन स्टेट बने, फिर नेशन आया, एक लीगल पॉलिटिकल एंटिटी बनी, क्योंकि इसके पीछे कुछ एक लीगल कॉनोटेशन था, कुछ पॉलिटिकल राजनीतिक कुछ एक सेगमेंट था, तो इसलिए अब हमने इसको डिफाइन करना शुरू किया मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933 से कि स्टेट क्या होगा, एक ऐसा संस्था होगा जिसमें आपका टेरिटरी हो, क्षेत्र हो, आपका पॉपुलेशन हो, जनसंख्या हो, गवर्नमेंट सरकार हो एंड सोवरेनिटी संप्रभुता हो। तो हमारा ये मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, एक्टर क्या होते हैं, वो लोग जो इन पार्टिसिपेट करते हैं, भागीदारी लेते हैं इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, और उसके परिणाम स्वरूप कुछ ना कुछ प्रभाव डालते हैं, कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट होता है, इम्पैक्ट पड़ता है। तो स्टेट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एक्टर होता था, क्योंकि पहले इन अंतर्राष्ट्रीय आपके ऑर्गेनाइजेशन इतने नहीं होते थे, लीग ऑफ नेशन था, लीग ऑफ नेशन भी इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था, वो भी बहुत बाद में आया आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, ठीक है। तो इस स्टेट में हमने बोला कि अब इस समय में ना हमारा जो भी कुछ होता है, जो भी आपका पॉलिटिकल कुछ भी डिसीजन होता है, कुछ भी चीज़ें होती है, कि किसी भी तरीके का सिस्टम आता है, स्ट्रक्चर आता है, उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे कारण है कि स्टेट एक अपना इंस्टीट्यूशन लेके आता है। स्टेट का इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, स्टेट की गवर्नमेंट, स्टेट की पॉलिटिक्स, स्टेट का मतलब तीनों अंग, तीनों ब्रांचेस, लेजिस्लेचर संसद जो कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव कार्यप्रणाली जो कानून को लागू कराती है, जुडिशरी जो कानून की व्याख्या करती है, सारे अंग हो गए, इंस्टीट्यूशन हो गए अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग हमारे इंस्टीट्यूशन है ना, जैसे कि भाई आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉरेन पॉलिसी के लिए, आईकार आपका एग्रीकल्चर के लिए, यूजीसी नेट आपका आपको पता है कि यूनिवर्सिटीज के लिए, ऐसे और भी इंस्टीट्यूशन है। तो हमने सोचा इस समय हमने ये करा कि यार ये जो इंस्टीट्यूशन है ना, इन्हीं के बेसिस पर डिटरमाइन होता है कि कैसा आपका पॉलिटिकल सिस्टम होगा, कैसा आप काम करोगे, कैसा आपका स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और जैसा आपका सिस्टम होगा वैसी आपकी स्टेट बनेगी, वैसी आपका पॉलिटिक्स बनेगी, एंड कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ ना कुछ लीगल कॉनोटेशन भी था, ठीक है। ये आ गया, अब आता है सेकेंड क्वेश्चन कि ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि हाँ, इसलिए इसको ट्रेडिशनल को इंस्टीट्यूशनलिज्म भी बोला, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एन इंस्टीट्यूशन, संस्था है क्या, ये इंस्टीट्यूशन है क्या, संस्था, ठीक है। संस्था को आप बोलोगे कि कोई भी एक फॉर्मल, ठीक है, एक फॉर्मल सेटअप है, फॉर्मल यानी कि औपचारिक। औपचारिक का मतलब क्या है, जिसकी राइट्स एंड ड्यूटी, यानी कि जो कोई भी काम करेगा, ऑब्वियसली बात है कि कुछ ना कुछ पावर एक्सर्ट करेंगे, पावर यूज करेंगे, तो ये पावर के पीछे क्या है, कोई ना कोई अथॉरिटी है, ठीक है, इनको अथॉरिटी मिली है ये पावर यूज करने की, क्यों, क्योंकि इनकी पावर की लेजिटिमेसी है। लेजिटिमेसी का मतलब क्या हो गया कि हमने ये जो पावर है इनकी वैध है, ठीक है, ये कानून के द्वारा दी गई है, ठीक है। इसलिए इनको बोला कि एक फॉर्मल सिस्टम है, फॉर्मल सेटअप है, इंस्टीट्यूशन हमेशा एक फॉर्मल सेटअप होता है, ये जो फॉर्मल सेटअप होता है, क्योंकि ये राइट्स ड्यूटी कानून की फॉर्म में होता है, इसलिए हम सब उसको फॉलो करते हैं, ये होते हैं इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। इंस्टीट्यूशन आपका एग्जाम्पल स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, आपके बहुत जैसे हर एक चीज़ों के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंस्टीट्यूशन, क्या हो रहा है, ये यूनाइटेड नेशन की आपकी मीटिंग हो रही है, जनरल असेंबली की मीटिंग है। तो ये क्या है कि सारे आपके कंट्रीज जितने भी वर्ल्ड में 193 में इसके जो मेंबर्स है वो आ रहे हैं और आपस में क्या कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, ठीक है, अपने अपने सिस्टम के हिसाब से। इन्होंने एक सिस्टम बना रखा है कि इधर आएंगे हम मिलेंगे, और ये एक फॉर्मल सिस्टम है कि यहाँ पे पूरा लीगल यूनाइटेड नेशन चार्टर में लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूशन में फॉर्मल है ना कि हाँ हम लोग आएंगे, इस तरीके से मीटिंग होगी, इस तरीके से हम डिस्कशन करेंगे और ऐसे हम सहमति से डिसीजंस लेंगे। तो एक फॉर्मल सेटअप हो गया, तो ये क्या हो गया, इंस्टीट्यूशन। और ये जो डिसीजन लेते हैं फिर जाके इंप्लीमेंट करते हैं, इसी के परिणाम स्वरूप आपके जो सिस्टम होता है, जो आपके आपस में संबंध होते हैं वो बनते हैं। इसलिए हमने बोल दिया कि पहले कि इंस्टीट्यूशंस का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता था। नेक्स्ट आता है कि ट्रेडिशनल अप्रोच अब कितने तरीके की होती है, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच हमने बात कर ली, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच को अभी आगे मैं और अच्छे से डिफाइन करती हूँ, अभी आते हैं, ठीक है। अब ट्रेडिशनल अप्रोच में और कहाँ से आया, इसके जो रूट्स है, और कोई मैं थिंकर्स को कोट करूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। जैसे वुड्रो विल्सन ने अपने 14 पॉइंट दिए थे जब आपको पता है पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस किससे संबंधित थी, पेरिस शांति सम्मेलन किससे संबंधित थी, आपको पता है वर्ल्ड वॉर वन आपका खत्म हुआ, तो जब भी कोई
एक आपका युद्ध खत्म होता है तो उसके बाद क्या होता है, एक पीस कॉन्फ्रेंस होती है, शांति सम्मेलन होता है, और उसके परिणाम स्वरूप एक संधि होती है, जिस ट्रीटी होती है, जिसको था ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। ठीक है, इन्होंने 14 पॉइंट दिए। तो बेसिकली इन्होंने क्या बोला कि भाई, इन्होंने इस 14 पॉइंट में क्या बोला कि यार, हमारा जो स्टेट है, हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए, कैसा है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इन्होंने बोला कि कैसा होना चाहिए। अब ये जो शब्द है ना, कैसा होना चाहिए, इस पर फोकस जरूर करना, क्योंकि थोड़ी देर में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच हमारा बहुत हद तक ये देखता है, ये ना दिमाग में एक आइडियल कम्युनिटी, एक आइडियल स्टेट बना देता है कि ठीक है, आदर्श राज्य, आदर्श हमारा समूह, ठीक है, समुदाय, और हम ना फिर उसके उसको इंप्लीमेंट कराने में तुल जाते हैं कि हमने दिमाग में बना दिया कि ठीक है ऐसा सिस्टम होना चाहिए, अब उसको प्रैक्टिकल कैसे करें। ठीक है, ये बेसिकली इसका सार है। नेक्स्ट आता है कि फ्रैंक जे गुडनाउ। ठीक है, इन्होंने जो अमेरिकन पॉलिटिकल ये जो साइंस का एसोसिएशन था, इसमें स्पीच दी थी 1904 में, उसने बोला था कि स्टडी ऑफ स्टेट। ठीक है, इन्होंने बोला था कि अगर मुझे स्टेट को स्टडी करना है तो स्टेट को हम हमेशा इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्थान की फॉर्म में स्टडी करना चाहिए, क्योंकि संस्थान ही सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल रोल प्ले करता है हमारे स्टेट में, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर सब किसके पास होती है, संस्था के पास होती है उस समय। लेकिन अब वर्ल्ड धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, तो कैसे मॉडर्निटी की तरफ जाएगा, वो पूरी जर्नी आज हम तय करेंगे। ठीक है, तो दिस हु इज दिस, ठीक है, दिस इज आपका वुड्रो विल्सन। ठीक है, वुड्रो विल्सन, अब मुझे बताओ कि वुड्रो विल्सन आपके पॉलिटिकल थ्योरिस्ट तो थे, लेकिन प्रेसिडेंट भी थे, तो कहाँ के प्रेसिडेंट थे ये मुझे आप बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और मुझे ये बताइए कि क्या इनका जो 14 पॉइंट था वो एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रेडिशनल अप्रोचेस की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। अब अगर हम पढ़ रहे हैं तो विशेषताएं तो देखना बनता ही है। तो इसमें आया कि भाई, जो ट्रेडिशनल आपका अप्रोचेस है वो कैसे एमर्ज हुआ, एमर्ज हुआ एज अ रिस्पॉन्स टू पीरियड ऑफ हिस्टोरिसिज्म। ठीक है, हमेशा एक हिस्टोरिसिज्म वाला पीरियड हो रहा था 19th century में, कि भाई हमेशा आप क्या कर रहे थे कि जो कंपेयर कर रहे थे, तुलनात्मक राजनीति में क्या होता है, एक तो होता है तुलनात्मक राजनीति और एक होता है तुलनात्मक आपका सरकार। ठीक है, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स एंड कंपेरेटिव गवर्नमेंट। ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं कि एक में आप पॉलिटिक्स को कंपेयर करते हो, तो पॉलिटिक्स के अंदर पार्टीज, इलेक्शन, गवर्नमेंट, आपका पावर्स, इंस्टीट्यूशन, कल्चर सब आ गया। लेकिन गवर्नमेंट में क्या होता था पहले, कि सिर्फ गवर्नमेंट को कंपेयर करते थे। तो ये कहते थे कि यार, ये पुराना हिस्टोरिसिज्म, यानी कि जिस समय ग्रीक के प्लेटो, अरिस्टोटल वगैरह, ये सारे जो पुराने थिंकर्स हैं ना, उस पर ही डिपेंडेंट है, तो किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। तो उसका ना एक तरीके से रिस्पॉन्स था कि किस तरीके से हम ट्रेडिशन को अब न्यू यूज कर सकते हैं। तो एंड ऑफ 19वीं सदी के अंत से 20वीं सदी के स्टार्टिंग में ये आपका अप्रोच हुई है स्टार्ट। ठीक है, मतलब यूज हुई है। तो अप्रोच का जो अगर मैं बात करूँ तो इसकी विशेषता क्या है, तो ये कुछ बताती नहीं है, ये डिस्क्राइब करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे आपने मुझसे पूछा कि NTA नेट का एग्जाम कैसे होगा, कि NTA नेट का एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, तो मैं रादर देन कि आपको बताऊं कि नेट की तैयारी कैसे करनी है, किस तरीके से शेड्यूल होना चाहिए, क्या क्या टॉपिक है, ये सब मैंने क्या बताया, मैंने बोला NTA नेट का एग्जाम होता है, उसमें दो पेपर होते हैं, उसमें पहले पेपर में 50 क्वेश्चन आते हैं, दूसरे में 100 आते हैं। मैं सिर्फ बता रही हूँ कि पेपर में क्या क्या होता है, लेकिन कैसे करना है, उसकी विशेषता क्या है, उसे करके क्या हो जाएगा, ये सब नहीं बताती। तो सेम है कि ये ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बताती है, कि ऐसे था सिस्टम, ये था, वो था, कानून ये है। ठीक है, अब इसे फॉलो करके क्या सोसाइटी आगे बढ़ी है, पीछे गई है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उसका इंपैक्ट नहीं बताती है, रादर देन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर पाती, ना ही ये एक्सप्लेन कर पाती है डिटेल में, व्याख्या नहीं कर पाती, वर्णन नहीं कर पाती, सिर्फ ये बताती है ये है क्या, एक तरीके से दृष्टिकोण समस्या समाधान व्याख्या या विश्लेषणात्मक के बजाय अत्यधिक वर्णनात्मक थी ये। ठीक है, और क्या इसके अप्रोचेस के क्लासिफिकेशन है ये देखते हैं। अब ट्रेडिशनल हमें समझ में आ गया कुछ पॉइंट्स कि ट्रेडिशनल अप्रोच कुछ एक ऐसी अप्रोच है जो ये मान के चलती है कि मेरे दिमाग में एक आइडियल मैंने स्टेट का बता दिया कि ऐसा मेरा राज्य होना चाहिए, ये सिस्टम होना चाहिए, ये मेरा फंक्शनिंग होना चाहिए, और अब मैं क्या करूँ, उसे इंप्लीमेंट कराने की कोशिश कर रही हूँ, सिर्फ डिस्क्राइब कर रही हूँ ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, इस तरीके से देशों को बात करनी चाहिए, इस तरीके से सिस्टम होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में इंप्लीमेंट हो रहा है। क्लासिक एग्जाम्पल लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन को बोला कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो आपसी भेदभाव वगैरह जो भी है उसको सॉल्व करने के लिए यूज होगा, लेकिन सच में क्या ऐसा हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम बता रहे थे कि कैसे करना है, हम उसको एक्चुअली में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर रहे थे। अब आता है कि क्लासिफिकेशन क्या है ट्रेडिशनल अप्रोच की, कि कितने टाइप की होती है भाई, और एक एक टाइप पढ़ते हैं। ठीक है, पहला टाइप है आपके पास फिलोसॉफिकल अप्रोच, यानी कि दार्शनिक दृष्टिकोण। अब इसमें क्या करेंगे थोड़ी देर में बताऊंगी। दूसरा है आपका हिस्टोरिकल अप्रोच, यानी कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण, और तीसरा है आपका लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, यानी कि कानूनी संस्थागत दृष्टिकोण। अब इसमें होता क्या है, लेट्स सी।
पहले फर्स्ट वाला कैटेगरी हम उठा लेते हैं. फर्स्ट कैटेगरी क्या है हमारे पास? फिलोसॉफिकल अप्रोच, यानी कि दार्शनिक दृष्टिकोण. अच्छा, व्हाट इज फिलोसफी? फिलोसफी का मतलब है कि हम दर्शन कर रहे हैं, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में जो हमें लगता है कि यार प्रॉब्लम है, उसको हम फाइंड कर रहे हैं, उसे हम ढूंढ रहे हैं और हम उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, हमें नहीं पता कि वो सॉल्व हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बट हाँ, हम एक तरीके से अपना दर्शन दे रहे हैं, अपनी अपनी थ्योरीज दे रहे हैं कि अच्छा इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, इस तरीके से बता रहे हैं. या फिर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसका सॉल्यूशन हम इस तरीके से दे रहे हैं कि आइडियल सॉल्यूशन ये होना चाहिए. ठीक है, आदर्शवाद में जा रहे हैं. ठीक है भाई, कि इस तरीके से आपका इसका मतलब सॉल्यूशन है, बट क्या पता आप अगर आप प्रैक्टिकली से इंप्लीमेंट करो तो कुछ और प्रॉब्लम आ जाए. क्लासिक एग्जांपल समझ लो, आपको गाड़ी चलानी सीखनी है. ठीक है, और आप ना एक्चुअली में गाड़ी चला नहीं रहे हो, आप क्या कर रहे हो ना, एक वीडियो गेम वाली गाड़ी ही चला रहे हो. ठीक है, उसमें सारे इंस्ट्रक्शन, जैसा आपका एक्चुअल में होता है गाड़ी, वैसे सारे फंक्शन आप वीडियो गेम वाली पूरी गाड़ी चला रहे हो, सब चला रहे हो. ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, आपने एक्चुअली रोड में निकल के गाड़ी नहीं चलाई, तो क्या हो गया, आपको ये नहीं पता चला कि गाड़ी बीच बीच में बंद भी हो जाती है, और एकदम से अगर ट्रैफिक आ गया तो क्या करना है. ठीक है, एकदम से अगर गाड़ी खराब हो गई तो क्या करना है, ये सब तो आपको पता ही नहीं है. तो फिलोसफिकल अप्रोच में क्या है, वो वाली अप्रोच जिसमें हम वीडियो गेम वाली गाड़ी चला रहे हैं, कि हमने देख लिया कि हाँ कि ये सारा सिस्टम है सेम टू सेम है, अब ये ऐसा होना चाहिए, इसको ये करो वो करो, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है वो इंप्लीमेंट हो रहा है, नहीं. यही इसका क्रिटिसिज्म है. क्रिटिसिज्म से पहले उसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं. फिलोसफिकल अप्रोच ये बेस्ड होती है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि जो पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत है, उन पे बेस्ड होती है. तभी इसे बोलते हैं नॉर्मेटिव अप्रोच. नॉर्मेटिव क्यों? क्योंकि कुछ हमने आदर्श चीज़ें मान ली हैं और अब हम उसको इम्प्लीमेंट करा रहे हैं. एग्जाम्पल तो इसका एग्जाम्पल अभी मैंने गाड़ी का तो दिया है, लेकिन अगर मुझे आपके सिलेबस में देना है तो मैं बताती हूँ प्लेटो का, प्लेटोस फिलोसोफर किंग. ठीक है, अब मुझे ये बताओ, प्लेटो ने एक थ्योरी दी थी फिलोसोफर किंग की, इन्होंने बोला कि अगर फिलोसोफर जो किंग होगा, फिलोसोफर जो विस्डम का ज्ञानता है, अगर वो रूल करेगा तो सोसाइटी अच्छी हो जाएगी. क्या इसके प्रूफ क्या है इसका कि सोसाइटी अच्छी हो जाएगी? क्या ये कहीं पे इंप्लीमेंट हुआ है? अगर हुआ है तो हम बताएंगे ना, अगर नहीं हुआ तो हम क्या बताएं? ठीक है, क्या ये अच्छा, इनका एक और था कि कम्युनिटी ऑफ वाइफ्स, ठीक है, एंड चिल्ड्रन, क्या ये सच में प्रैक्टिकल है? ठीक है, थ्योरी देने से मतलब नहीं है, प्रैक्टिकल होना है कि नहीं इस पर फर्क पड़ता है. तो यही इसकी आलोचना होती है. अब फिलोसफिकल अप्रोच की और क्या मतलब विशेषताएं हैं, कि हिस्ट्री पे बेस्ड है, बहुत ही हिस्टोरिकल है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने बताया आपको कि भाई प्लेटो ने एक तरीका बता रखा था फिलोसफर किंग, वैसे अगर सरकार चलाओगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा. ठीक है, अब आप मुझसे ये बोलोगे कि मैम प्लेटो तो इतनी पुराने टाइम में था, तब तो भाई ना तो टेक्नोलॉजी होती थी ना फाइनेंस होता था. आज की प्रॉब्लम, आज की सिचुएशन, आज की परिस्थिति, वो तो एकदम अलग है तब के टाइम पे, तो तब की थ्योरी आप अभी कैसे इंप्लीमेंट करा सकते हो? हालांकि होती है, फिलोसफर अप्रोच भी बहुत जगह इंप्लीमेंट होती है. जैसे कि एक छोटा सा और एग्जांपल देती हूँ, अल्फ्रेड थायर महान की एक थ्योरी है सी पावर. ठीक है, इन्होंने बोला है कि जो भी सी को कंट्रोल करेगा ना, वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा. 1890s में दी थी इन्होंने ब्रिटेन की पावर को एनालाइज करके. ठीक है, अब उसके बाद जब ब्रिटेन की पावर धीरे धीरे कम हुई, धीरे धीरे यूएसए की पावर पड़ी सी पे, तो आपको लगा ना कि कंट्रोल करने लगा है. देन अगर मैं इंडो पैसिफिक में बात करूँ तो आपका चाइना का एक्सपेंशन हो गया, या आइलैंड की तरफ आर्टिफिशियल आइलैंड बनाना, तो कहीं कहीं ये फिलोसफिकल अप्रोच की वहां उधर हमने देख लिया था कि अच्छा उसमें ऐसा हुआ था, फिलोसफी में इस तरीके से बोला था, एक फिलोसफी दी थी, एक आदर्श दिया था कि अगर ये होगा तो ये होगा, वो फॉलो हुआ है. होता है, फॉलो भी होता है, इसके अपने फायदे भी हैं, बट क्रिटिसिज्म क्या है, सेम सिचुएशन नहीं होती. हिस्ट्री पे बेस्ड है, कैसा है इसका, लॉ पे बेस्ड है, कानून पे बेस्ड है. जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कानून, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पुराना बना हुआ है. हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है हमारे कानून, हमारे राइट्स, हमारे आपके अधिकार क्या है, हमारे ड्यूटीज क्या है, कर्तव्य क्या है, सब कुछ बताता है हमको, सब बहुत अच्छे से बताता है. हमें बहुत सही लगता है हमारा कानून, लेकिन फिर भी बदलते टाइम के साथ साथ उसमें कुछ कुछ अमेंडमेंट, कुछ कुछ संशोधन की जरूरत पड़ी ना. एथिक्स पे बेस्ड है. अब एक बात बताओ, एथिक्स पे दुनिया कैसे चल सकती है? हाँ, चलनी चाहिए, सबका होना चाहिए, मोरालिटी होना चाहिए, बट अगर कोई मॉरल नहीं है तो हम उसका कुछ कर नहीं सकते, वो इलीगल नहीं है मॉरल होना. फिलोसफी पे बेस्ड है. अब ये कुछ थिंकर्स है जो आपके फिलोसफिकल अप्रोच को फॉलो करते हैं, जैसे प्लेटो हो गए, कांट हो गए, हीगल हो गए, अरस्तु हो गए, हॉब्स, लियो स्ट्रॉस, टी एच ग्रीन, ईसा बर्लिन भी फॉलो करते हैं, आपका रूसो हो गए, माकियावेली हो गई. क्यों? क्योंकि इन्होंने कोई ना कोई अपनी थ्योरीज दे रखी हैं. ठीक है, सो ये फिलोसफिकल अप्रोच. देन
फिलोसफर अप्रोच के कुछ और अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊं तो ये क्या बात, ये बोलती है, ये बात करती है आइडियल सोसाइटी की कि भाई ये समाज ना हमारा आइडियल आदर्श समाज क्या होगा, ठीक है, और उसके बाद क्या करेगी, उसको इम्प्लीमेंट कराएगी, एक सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, आदर्श आपका समाज कैसा होना चाहिए, राज्य कैसा होना चाहिए, इस क्या है, ये नॉर्मेटिव है। नॉर्मेटिव का मतलब होता है आपका बहुत ज़्यादा ये आइडियलिज्म वगैरह उस पर बेस्ड है, एथिकल है, ये नैतिकता पर बेस्ड है, वैल्यूज़ पर बेस्ड है, कि लोग इमोशंस पे, लोग कैसे काम करते हैं, बिलीव क्या है, फेथ क्या है, उस पर बेस्ड है, प्रिस्क्रिप्टिव है। जैसे डॉक्टर आपको बताते हैं ना, देखो अब आप ना डॉक्टर के पास जाते हो अपनी बीमारी बताते हो तो ऐसा तो नहीं बोलते ना कि हाँ डॉक्टर हमें ये दवाई दे दो, ये दवाई दे दो, ये दवाई दे दो। अगर इतना ही नॉलेज थी तो केमिस्ट में जाकर ले आते ना, डॉक्टर तुमको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं ना, आप क्या करते हो सिर्फ फॉलो। तो ये फिलोसफिकल अप्रोच क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करती है, निर्देशात्मक है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये आपको सिर्फ बता रही है, कुछ चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर रही, स्पेक्युलेटिव है। स्पेक्युलेटिव वैसे हिंदी में सत्ता लग रखा है, लेकिन ये होता है कि अनुमान लगाना, कि अनुमान लगाती कि ये सिचुएशन है तो ऐसे सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। आइडियल पॉलिटिकल कम्युनिटी की बात करती है, आदर्श राजनीतिक समुदाय की बात करती है फिलोसफिकल अप्रोच। देन अगर मैं बात करूं, दिस इज आपका प्लेटो, मैंने अगेन आपको बोला है कि अगर मैं फिलोसफिकल अप्रोच का किसी को बोलूं कि स्टार्टिंग, तो दैट इज प्लेटो। प्लेटो ने की बहुत सारी थ्योरीज है, जैसे कि उन्होंने फिलोसफी दिया, जैसे फिलोसफी में एक अच्छा सा एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ आपको कि जैसे उन्होंने एनालाइज किया चीज़ों को, एनालाइज कैसे किया, अनुमान कैसे लगा, कंपेयर करके, कैसे कंपेयर करके, आपने सुनी होगी एलिगरी ऑफ द केव, ठीक है। एलिगरी ऑफ द केव में क्या किया, उन्होंने केव के अंदर क्या सिचुएशन है उसको कंपेयर किया कि अब हमारा राज्य में डेमोक्रेसी या फिर जो हमारा राज्य में हमारा सिस्टम चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है, प्रणाली कैसे चल रही है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक फिलॉसफी दी एक केव को एग्जाम्पल लेके, तो ये क्या है, ये इसकी गुड चीज भी है, अच्छी चीज भी है, ठीक है। देन इनका फिलोसफर किंग वाला हो गया, फॉर्म्स होगी थ्योरी की, कम्युनिटी ऑफ वाइव्स वगैरह हो गया, नोबल लाई हो गया, ठीक है, नॉक्टर्नल काउंसिल हो गया, तो ये सारा इनका क्या है, ये फिलोसफिकल है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट अप्रोच आती है हमारी हिस्टोरिकल अप्रोच, ठीक है, जो कि अगेन आपका ट्रेडिशनल अप्रोच का ही एक पार्ट है। हिस्टोरिकल अप्रोच क्या करती है, ये बात करती है कि स्टडी ऑफ हिस्ट्री टू एनालाइज पॉलिटिकल रियलिटीज़, कि हम क्या करते हैं, ये फोकस डालती है कि हमें हिस्ट्री पढ़नी चाहिए ताकि हम एनालाइज कर सके, विश्लेषण कर सके कि राजनीतिक जो हमारा रियलिटीज़ है वो कैसी है। राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने के लिए इतिहास का अध्ययन ज़रूरी है। अब ये अध्ययन क्यों ज़रूरी है, हिस्ट्री से हमें क्या मिल जाएगा, ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे। नेक्स्ट अगर मैं इसमें कुछ बात करूँ कि कौन कौन इसे फॉलो करता है, तो माकियावेली, ठीक है, ऑक्सफर्ड हो गए, लास्की हो गए, सिपाइन, डनिंग, पॉलिटिक्स, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये बोल रखा है कि जो पॉलिटिक्स और हिस्ट्री है ना वो आपके स्ट्रांगली इंटर रिलेटेड है, यानी कि आपका राजनीतिक इतिहास दृढ़ता से अंतर संबंधित है। कैसे, समझ लो आज की पॉलिटिक्स है, ठीक है, आज की जो मेरी पॉलिटिक्स है, ठीक है, अब वो आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स क्या हो जाएगा, वो बन जाएगी हिस्ट्री, ठीक है, वो क्या बन जाएगी, हिस्ट्री, कब की, कल की हिस्ट्री बन जाएगी। यानी कि क्या है हिस्ट्री और पॉलिटिक्स, क्या है हिस्ट्री, क्या है, अभी देखो अगर मैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की, आज की पॉलिटिक्स क्या है, कल की हिस्ट्री बन जाएगी। तो कहीं ना कहीं मैं बात करूं तो आज की पॉलिटिक्स आगे जन्म देगी हिस्ट्री को, यानी कि जो पॉलिटिकल इवेंट्स हमें लग रहा है अभी प्रेजेंट में हो रहे हैं, कल को हम उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे सेम सिचुएशन से। देन अगर मैं इसमें बात करूं कि कुछ बुक्स जो हिस्टोरिकल अप्रोच को फॉलो करती है, तो चार्ल्स लुईस की एंड रिचर्ड स्टिले की द रेबेलियन सेंचुरी, ठीक है, जैसे उसमें ये करा है। अच्छा, ई एच कार ने क्या किया है, द 20 ईयर्स क्राइसिस, ठीक है, 20 ईयर्स क्राइसिस में क्या कर रखा है उन्होंने, पूरा 20 साल में जो जो हुआ, किस तरीके से ग्रेट डिप्रेशन हुआ और दोनों वॉर के बीच का पीरियड कैसे हुआ, उसको एनालाइज करके बताया ना कि कैसे आपकी, आपका रियलिज्म कैसे आया है, यथार्थवाद कैसे आया है। तो क्या किया उन्होंने, हिस्टोरिकल इवेंट्स पे ही एनालिसिस की है, ठीक है, ये भी आपका एक एग्जाम्पल है। रेनफील्ड बेनिक्स का नेशन बिल्डिंग एंड सिटीजनशिप, ये भी एक बुक है, ठीक है, ये भी आपका एक एग्जाम्पल है। दिस इज ऑल, ये भी बुक्स हैं आपकी। पेरी एंडरसन का लीनेज ऑफ द एब्सोल्यूट स्टेट, पुराना हमने विश्लेषण कर रखा है। जैसे थूसी राइडर्स ने भी किया था आपका हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वॉर, ठीक है, ये सब क्या, ये सब एग्जाम्पल ही। तो एथेटा स्कॉकफॉल क्या कहती है, ये बोलते हैं कि हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री में हम क्या करते हैं, सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि सिंपल तरीके, अलग अलग तरीके के इवेंट्स, फिर इवेंट्स को क्या करते हैं, हम देखते हैं कि क्या क्या सिमिलैरिटीज है, उसको जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं, वहाँ से इवेंट्स निकालते हैं, और फिर वहाँ से जनरलाइज करके हम देखते हैं कि हमारी जो हाइपोथेसिस है क्या वो
क्या वो वहाँ पे क्या बोलते हैं फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही। हमने बोल दिया कि भाई आपकी जो स्टेट है, अगर साथ में जो स्टेट, अगर दो स्टेट है उनके जो नेशनल इंटरेस्ट है वो आपस में टकराएंगे तो इनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा, आपका युद्ध वगैरह टाइप का हो सकता है। क्या ये थ्योरी, हमने एक थ्योरी बता दी, हमने एक हाइपोथेसिस दे दी, तो ये हाइपोथेसिस को हम टेस्ट कैसे करेंगे? हमें पहले हिस्टोरिकल हिस्ट्री से इवेंट्स लेके आने पड़ेंगे, उसको स्टडी करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, फिर हम हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे, उसे जनरलाइज करेंगे, फिर हम उसको क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद कंक्लूजन होगा, कंक्लूजन को हम जनरलाइज करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंस है आपका हिस्टोरिकल अप्रोच, क्योंकि हिस्ट्री हमें वो सारे एविडेंसेस देखती है, वो सारे प्रूफ देती है जिससे हम आगे का काम इंप्रूव कर सकते हैं, अपना आगे के कुछ जनरलाइजेशंस निकाल सकते हैं। देन आता है आपका जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो, देखो ये तीन पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगी। पहली पिक्चर है आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन की, देख रहे हो किस तरीके से इनका रेवोल्यूशन कैसा हो रहा है, क्रांति करने का तरीका देखो, क्या उनके पास हथियार है, किस तरीके से कर रहे हैं, क्या वॉयलेंट है कि नहीं है। दूसरी पिक्चर ये देखो, ये है आपका रशियन रेवोल्यूशन की, ठीक है। और तीसरी पिक्चर आप देखोगे ये, ठीक है, ये किसकी है, ये है चाइनीज कल्चरल रेवोल्यूशन की। क्या ये तीनों, ये जो तीनों आपकी इमेज है, क्या ये सेम है? ये अलग अलग टाइम पीरियड की है। तो हमने क्या किया, हिस्ट्री से अलग अलग टाइम पीरियड के हमने इवेंट्स निकाले, हमने अलग अलग फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन और आपका चाइनीज कल्चरल रेवोल्यूशन निकाला, और हमने देखा कि इनमें सिमिलैरिटीज क्या है, कंपेयर करके देखा कि क्या चीज़ सही है, क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तीनों में कॉमन है, और अगर कॉमन है तो क्या अगर ऐसी सिचुएशन फ्यूचर में आती है तो हम ये सोच सकते हैं कि आगे क्रांति होने वाली है या नहीं होने वाली है। ये फ़ायदा होता है आपका हिस्टोरिकल अप्रोच का। अब लीगल अपला लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की बात करते हैं, कानूनी संस्थागत दृष्टिकोण, इसके बारे में मैं बात करूं तो ये क्या है, लीगल का मतलब हो गया कानूनी और ये हो गया संस्थान। ऑब्वियसली ट्रेडिशनल अप्रोच को हम इंस्टीट्यूशनलिज्म बोलते हैं, तो इसमें आपको पता है ब्राइस ने भी बात करी है इंस्टीट्यूशन के, ब्राइस, लोवेल और गॉन्स्की, ठीक है, इनको हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, ये जो तीन है इनको हम नेक्स्ट आपका जो इंस्टीट्यूशनल स्पेसिफिक पढ़ाऊंगे तब पढ़ेंगे, बट फिलहाल बात करते हैं लीगल इंस्टीट्यूशन की कि क्या इससे फर्क पड़ता है। तो आपको पता है ये लीगल अप्रोच क्या करता है, स्टडी ऑफ फॉर्मल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, औपचारिक राजनीतिक संरचनाओं का अध्ययन करता है। औपचारिक मतलब गवर्नमेंट, सरकार, और पॉलिटिक्स, राजनीति। अच्छा ये क्या बात करता है, ये बोलता है कि भाई स्टेट है ना उसकी जिम्मेदारी है, राज्य है उसकी जिम्मेदारी है इक्विटेबल एंड इफेक्टिव सिस्टम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर देने की, यानी कि कानून और व्यवस्था का न्याय संगत और प्रभावी व्यवस्था देने की जिम्मेदारी किसकी, स्टेट की। अब स्टेट की है तो हम क्या करेंगे, हम स्टेट के ही इंस्टीट्यूशंस को पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि डिसीजन मेकिंग जो आपका पॉलिसी है, समझ लो स्टेट के सारे रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व मिल रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, डेलिब्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, विचार विमर्श कर रहे हैं, फिर डिसीजन ले रहे हैं, नीति निकाल रहे हैं, पॉलिसी निकाल रहे हैं, तो ये सब में क्या आ रहा है, कौन आ रहा है, स्टेट आ रहा है, इंस्टीट्यूशंस आ रहा है, तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत है, तो हम इसे पढ़ना चाहिए, ये अप्रोच कहती है। ये बोलते हैं कि पॉलिटिक्स का है, पॉलिटिक्स एक साइंस है किसका, लीगल नॉर्म्स का, कानूनी मानदंडों का विज्ञान के रूप में राजनीति है, यानी कि जो लीगल नॉर्म्स है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, जितने भी लॉज, रूल्स, प्रिंसिपल्स है, उसी की तो साइंस है कि कैसे आते हैं, कैसे काम करते हैं। देन क्या है, एक तरीके से इसका अगर मैं लीगल की बात करूं तो कंपेरेटिव गवर्नमेंट का इसमें आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, यानी कि तुलनात्मक सरकार का आपको वो दिखेगा कि कुछ ना कुछ कि भाई हाँ सरकारों को आप कंपेयर कर रहे हो कहीं ना कहीं, कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे अरस्तू ने किया था 158 कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के, एंड फिर उन्होंने अपनी कैटेगराइजेशन दी थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी, जैसे द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है इसका, एवी डाइसी का। अब इसमें एवी डाइसी ने कौन सा आपको नया कुछ देके दे दिया, इन्होंने तो क्या करा, उन्होंने एनालाइज किया हिस्टोरिकल पूरा कि किस तरीके से कानून है, और आपका एक लिस्ट कर दिया, आपका एनालाइज करके आपको क्या बता रखा है कि कानून क्या है, ठीक है, क्या है आपके पास, कौन कौन से अधिकार है, ये बता रखा है। क्यों का आंसर तो नहीं दिया ना इसमें, क्यों का आंसर मिला है हमें, क्यों का आंसर हमें नहीं मिला, तभी तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, सिर्फ बता दिया कि ये कानून है, आपको क्या करना है, आप इसे फॉलो करना है, ठीक है, ये बता दिया आपको बस, ठीक है। तो ये आपका लीगल इंस्टीट्यूशन अप्रोच। अब ये तो हो गया कि ठीक है हमने अप्रोचेस पढ़ ली, अब अप्रोचेस की तुलना मतलब क्रिटिसिज्म भी तो होता होगा, कुछ तो गड़बड़ होती होगी ना, बिल्कुल होती है। तो अब ये रॉयसी मैक्रोडिस की बात करते हैं, रॉयसी मैक्रोडिस और आपका मूरे, ठीक है, थॉमस मूरे, अब इन दोनों की मैं आपको बात करती हूँ। तो इन्होंने अपने रॉयसी मैक्रोडिस का वर्क था मॉडर्न पॉलिटिकल रिजीम, ठीक है। अब मुझे बताइए कि कौन से ईयर में ये पब्लिश हुआ था, ठीक है, क्योंकि कभी कभी पूछते हैं, और ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ ना, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड आपका एमसीक्यू में आ सकता है।
इन्होंने पॉइंट आउट किया कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ना वो क्या है, नॉन कंपेरेटिव. हम बात करते हैं कंपेयर करने की. कंपेयर करने का मतलब क्या है कि यार आपका यूएस में ये सिस्टम है, चाइना में ये सिस्टम है, अब हम कंपेयर कर रहे हैं कि किस में बेटर सिस्टम है किस में नहीं है. लेकिन अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच को सच में देखूँ ना तो उसमें कंपेयर कुछ नहीं कर रहे, उसमें क्या कर रहे हैं, उसमें बता रहे हैं कि ठीक है हमें लगता है आइडियल आदर्श केस ऐसा होना चाहिए और इसके ये कैसे होगा, ये प्रिंसिपल फॉलो कर लो, ये कानून फॉलो कर लो, देखो हिस्ट्री में प्रूफ है, हमने क्लिक के दिखा दिया. तो ये क्या कर रहे हैं, ये नॉन कंपेरेटिव है, ये कंपेयर करने का तो मौका ही नहीं दे रहे, बल्कि तुमको बता रहे हैं कि इस तरीके से होना चाहिए भाई. ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया कि ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव है, वही वर्णनात्मक है, ये एक्सप्लेन नहीं कर रहे, कुछ बता रहे हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पेन है, मैंने तुम्हें बताया कि भाई देखो मैं मार्कर से यूज़ कर रही हूँ, ये जो क्लास लूँगी ना इसमें सब कुछ लिखूंगी मैं मार्कर से लिखूंगी. अब मैंने आपको कभी नहीं बताया क्यों लिखूंगी, कैसे लिखूंगी, क्या मैं कलर चेंज करके लिखूंगी, मार्कर ही क्यों, मतलब स्मार्ट बोर्ड क्यों नहीं, भाई बहुत अमीर, इतनी अमीर नहीं हूँ मैं, ठीक है, इसलिए स्मार्ट बोर्ड नहीं, अगर मैं माउस से क्यों लिख रही, नहीं लिखा जाता इसलिए, ये चीज़ तो नहीं बता रही ना मैं आपको. मैंने सिर्फ आपको बताया कि मैं मार्कर से लिख रही हूँ, बस यूज़ कर रही हूँ, ये ब्लैक कलर का है, बस डिस्क्रिप्ट कर दिया. फिर क्या है, आपका पैरोकियल है, पैरोकियल पार लोके का, यानी कि मुझे क्या करना है, मुझे आइडियल सिस्टम बनाना है. ठीक है, मैंने बता दिया कि हाँ ठीक है इस तरीके से है, घिसा पिटा जो भी पुराना चीज़ है उसी को मैंने लिस्ट डाउन कर रहा हूँ. स्टैटिक है, कहीं ना कहीं स्टेटस को है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा. और पता है इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म, पता है ये है आपका यूरोसेंट्रिक. यूरोसेंट्रिक का मतलब क्या है, इन्होंने पता है सिस्टम बना दिया कि इन्होंने सब चीज़ को किसकी दृष्टि से देखा है, वेस्ट की दृष्टि से देखा है, यूरोप की दृष्टि से देखा है. थर्ड वर्ल्ड में क्या सिंपल ये सेम सिस्टम फॉलो करता है, क्या सेम सिस्टम लागू होता है, नहीं होता. इंडस वाले सिविलाइजेशन में ऋग्वेदा में तो हमारा अलग सिस्टम था, उसको तो इधर कहीं पे भी इनकलकेट यूज़ नहीं कर रखा है. ठीक है, तो ये क्या है, यूरोसेंट्रिक है, इसमें हम बहुत बात करते हैं. मोनोग्राफिक है, यानी कि एक ही थीम दे रखी है कि ठीक है मुझे क्या करना है, मुझे बताना है कि बेटर समाज, एक अच्छा ये गुड स्टेट, ठीक है गुड या फिर आइडियल स्टेट, ये कैसे कैसे बन सकती है, क्या तरीका क्या है. ठीक है, बस मैंने ये बताना है, विश्लेषण नहीं करना मेरे को, सिर्फ मैंने वर्णन करना है. ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है. थॉमस मूरे भी यही सेम चीज बोलते थे. ठीक है, नेक्स्ट आता है कि इसमें आलमंड एंड पावल ने भी कुछ चीज़ें बोली हैं कि भाई इसमें क्या गड़बड़ है. तो आलमंड एंड पावल ने बोला ना कि ये जो सिस्टम है ना, पांच चीज़ें बताई है और ये पांच चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए. पहला इन्होंने बताया कि पेरिकुलिज्म है और एथनोसेंट्रिक है, दैट मीन्स यानी कि पारलौकिक है, यानी कि हवे में बात कर रहे हैं. दूसरा जातीयता, ये आप बोल सकते हो कि ये वेस्टर्न ओरिएंटेड है, वेस्ट की नज़रों से देख रहा है, ये हमारी नज़रों से नहीं देख रहा. अगर वेस्ट की नज़रों से देखा लीगल इंस्टीट्यूशन तो भाई लीगल राइट्स तो हमारे भी होने चाहिए थे ना, उस समय तो हम कॉलोनी बनकर बैठे हुए थे, फिर वो क्या है, फिर तो वो अगेंस्ट चल जाता है. दूसरा इन्होंने बोला कि कॉन्फिगरेटिव एनालिसिस है. कॉन्फिगरेटिव एनालिसिस यानी कि विन्यासात्मक विश्लेषण है, व्यवहारिक सोच पर आधारित है कि ठीक है इस तरीके से काम करो, इस तरीके से सिस्टम बन रखा है, अब ठीक है तुम्हें उसको उस मतलब उसी तरीके से आपने लिख लिया, जो आप चीज़ देख रहे हो उसी को आपने एक्सप्लेन कर दिया. तीसरा इन्होंने बोला कि बहुत ही अत्यधिक फॉर्मलिज्म है, कि नेचर और एनालिसिस में कि किस तरीके का है, किस तरीके से एनालिसिस होती है, वो फॉर्मलिज्म यानी कि औपचारिकता बहुत है. औपचारिकता बहुत क्यों है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन, स्टेट, गवर्नमेंट बस इसी की बात करता है. ठीक है, क्या बात करता है, ये बात करता है इंस्टीट्यूशन की, स्टेट की, गवर्नमेंट की. ठीक है, ये लीगल जो चीज़ें होती है, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, उसकी बात करता है, कानून की बात करता है, लॉ की बात करता है. देन क्या है, स्टैटिक है यार, ये स्टेटस को चेंज नहीं हो रहा, ये बदलते समय के साथ स्थैतिक यानी कि यथास्थिति है, इसमें चेंज कुछ नहीं आ रहा है कि ऐसा समाज होना चाहिए, चाहे 20 साल बाद भी हो ऐसा ही समाज होना चाहिए. नेक्स्ट है कि इसमें साइंटिफिक विगर नहीं है, यानी कि मॉडर्न साइंटिफिक स्टडी नहीं है, तभी तो हमने ट्रेडिशनल अप्रोच को छोड़ के मॉडर्न अप्रोच पे आए, कि वैज्ञानिक शक्ति का अभाव है, आधुनिक वैज्ञानिक अध्ययनों का अभाव है इसमें. ये इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है. किसने दिया था ये, आलमंड एंड पावल ने. ठीक है, आपको प्लीज ये भी याद होना चाहिए, आलमंड एंड पावल ने ये पांचों चीजें याद होना चाहिए, एग्जाम में आता है. अब हमें समझ में आ गया कि ये इसके ड्रॉबैक्स है, इन सब चीज़ों की वजह से ही हमारा आगे नहीं बढ़ पाया है. तो हमने तरीका क्या निकाला कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर टू के बाद आपको पता है वर्ल्ड जो दुनिया है, ठीक है, दुनिया आपका क्या हो गया था, चेंज हो गया था, बहुत सारे बदलाव आए थे, न्यू एक्टर्स आए थे. ठीक है, न्यू एक्टर्स का मतलब क्या था, वो एक्टर्स जो पार्ट ले रहे थे इंटरनेशनल रिलेशन में, इन्फ्लुएंस भी डाल रहे थे, जैसे NGOs हो गए, आपके इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, MNCs हो गए, ठीक है, सोशल मूवमेंट्स हो गए, एक्सेक्टर नए आए. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा यूनाइटेड नेशन आया, जिसका ऑलमोस्ट सारा कंट्री पार्ट है. तो हमने बोला कि ठीक है अब हम ना अपना ना दृष्टि ही चेंज करते हैं. जैसे स्टार्टिंग मैंने किससे की थी, अप्रोचेस क्या होती है, चीज़ों को देखने का तरीका क्या होता है. हमने बोला कि यार नई नई चीज़ें आ रही है तो देखने का तरीका भी तो चेंज होगा ना. तो आपका मॉडर्न अप्रोचेस में काफ़ी सारे अप्रोचेस होते हैं, जिसको हम एक एक करके आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, आज नहीं कह पाएगा ये.
जैसे कि बिहेवियरल अप्रोच, ठीक है, बिहेवियरल अप्रोच क्या है आपका, व्यवहारिक दृष्टिकोण, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है आपका, सिस्टम अप्रोच, यानी कि आपका प्रणालिक दृष्टिकोण कैसा है, ठीक है। तीसरा क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, कि स्ट्रक्चर और कार्यात्मक दृष्टिकोण से आप कैसे देखते हो दुनिया को, कि इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है। सिस्टम अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच बोलना बहुत ईजी है, प्रैक्टिकली कहीं पर वर्क करता है, ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि सिस्टम अप्रोच किसने दिया है और आपका स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच किसने दिया है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में फटाफट से मुझे कमेंट कीजिए, पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच, ठीक है। राजनीतिक विकास दृष्टिकोण क्या है, विकास की नजरों से भी देखा जा सकता है क्या। देन पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन अप्रोच, कि राजनीतिक आधुनिक के दृष्टिकोण कैसा है, ठीक है। देन आता है आपका कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच, कि आपका राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण कैसा है। देन आता है आपका पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, ठीक है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण कैसा है। देन आता है आपका पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच, ठीक है, सोशियोलॉजिकल, कि राजनीतिक समाजशास्त्र दृष्टिकोण कैसा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, न्यू इंस्टीट्यूशनिज्म, नया नव संस्थानवाद क्यों आया, कैसे आया, वापस से संस्थान की जरूरत क्यों पड़ी। तो जितने भी नौ अप्रोचेस है ना, ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में करने वाले हैं। बिहेवियरल के साथ हम पोस्ट बिहेवियरिज्म भी करेंगे, डेली ये आपका सीरीज आ जाएगी, लेकिन सीरीज आपको एक ही उसमें आएगी, सीरीज का आने का एक ही शर्त है कि व्यूज बहुत ज्यादा आएंगे तभी ये सीरीज में निकालूंगी। ये नेक्स्ट लेक्चर कब आएगा, जब इसके व्यूज अच्छे आएंगे, ठीक है, उससे पहले नहीं, ठीक है। तो चलिए एक बार फटाफट से मैं आपको रिविजन करा देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है, एंड देन अब हम क्लास खत्म करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि भाई अप्रोचेस क्या है, हमने अप्रोचेस की बात स्टार्ट की थी कि अप्रोच होता क्या है, किसे बोलते हैं, क्या दृष्टिकोण होता है, क्यों चाहिए दृष्टिकोण, क्या फादर कौन है। अप्रोचेस दो तरीके के होती है, दो में से ट्रेडिशनल को हमने देखा कि क्यों बोलते हैं इंस्टीट्यूशनिज्म, इंस्टीट्यूशनिज्म बोलते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशन क्या है, देन इंस्टीट्यूशन का मैंने एग्जांपल दिया, और ट्रेडिशनल अप्रोच को कौन कौन रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे वो बताया कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है, कितने टाइप की होती है, फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, लीगल, तीन टाइप की होती है। फिर हमने फिलोसफिकल पढ़ा, फिर हमने हिस्टोरिकल पढ़ा, फिर हमने आपको पढ़ाया लीगल इंस्टीट्यूशन अप्रोच। फिर हमने देखा कि यार इसमें ना कुछ ना कमियां हैं, कमियां हैं, इसलिए रॉयसी, मैक्रिडिस, मूरे या फिर आपके एलमन एंड पावल ने क्रिटिसिज्म किया है इसका। क्या क्या क्रिटिसिज्म किया है, किस आधार पर किया है वो बताया। फिर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मॉडर्न की तरफ शिफ्ट हुआ, क्यों शिफ्ट हुआ वो भी बताया। मॉडर्न अप्रोच कितने तरीके की होती है वो बताया। अब मॉडर्न अप्रोच को डिटेल में हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और शेयर तो बिल्कुल करना है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।